दोस्तों, क्या आप लोग हाउजेट ऐप का यूज़ करते हो? अगर आप लोग हाउजेट ऐप का यूज़ करते हो तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हाउजेट ऐप से आप लोग पैसे कैसे निकालोगे। अगर आप लोग हाउजेट ऐप का यूज़ करते हो और उस पर पैसे लगा के आप लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा लिए हो तो उसे आप लोग बहुत ही आसानी से अपने बैंक में या UPI में या पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे ट्रांसफ़र करोगे या विड्रॉ करोगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को जानना है, सीखना होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग की यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिएगा, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग हाउजेट ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारे मैसेज यहाँ पे चल रहे हैं और नीचे में आप लोगों को मोर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, यानी 3 लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉल का, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना होगा। विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और यहाँ पे आप लोगों को 3 ऑप्शन मिल जाते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। एक मिल जाता है बैंक का, दूसरा मिल जाता है पेटीएम का, और तीसरा मिल जाता है UPI का। तो अगर आप लोगों के पास बैंक अकाउंट है तो आप लोग बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास पेटीएम है तो पेटीएम में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास UPI है तो आप लोग UPI में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आप लोग पैसे डाल दीजिएगा, कितने पैसे आप लोगों को ट्रांसफ़र करना है। और मैं आप लोगों से बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग 50 रुपये से कम पैसे यहाँ पर आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। मिनिमम 50 रुपये होगा तो ही यहाँ पर आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो ऊपर मैंने 50 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने का आ जाएगा, तो आपके जो खाता होगा उस खाता यानी पासबुक होगा तो उस पर अकाउंट नंबर होगा, तो उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। और आपके पासबुक पे IFSC कोड मिलेगा तो उस IFSC कोड को डाल दीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग अपने पेटीएम में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। केवल आप लोग का इंटर अमाउंट यहाँ पर आप लोग केवल अमाउंट डाल दीजिएगा कितना ट्रांसफ़र करना है, और वेरीफाई एंड प्रोसीड कर दीजिएगा, आपके पेटीएम में पैसे चले जाएंगे। ऐसे करके आप लोग UPI में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोग को अमाउंट डालना है और यहाँ पे आप लोग को UPI एक ID मिलता है, वो ID डालकर यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड कर दोगे तो आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे करके आप लोग हाउजेट ऐप से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।